दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब आप गलती से किसी अनजान शख्स को फोन पे गूगल पे या पेटीएम से पैसे भेज देते हैं तो आप उस पैसे के वापसी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं लेकिन इतना कोशिश के बाद भी आपको पैसा नहीं मिलते। पर आज मैं आपको एक ऐसा सलूशन बताऊंगा जिससे शायद आपके पैसे वापस आ जाएं। सबसे पहले आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसके मैसेज के आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, फिर बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है जो यह प्रूफ करता हो ट्रांजेक्शन गलती से हुई है। ये तीनों चीजें आप 24 से 48 घंटों के अंदर अपने बैंक को दे देनी है और जब आप सारी चीजें बैंक को जमा करा देंगे तो आपका बैंक उसे वेरीफाई करके आपके पैसे आपको वापस कर देगा। और मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो आप RBI की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं क्योंकि 2010 में RBI ने क्लियर किया था अगर गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है वो पैसा आपको वापस करवाए। दोस्तों क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक करिएगा।